हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक हियर। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड वो सारे ही स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट के बारे में कंसर्नड हैं, आज ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे कि फैकल्टी के अंदर प्लेसमेंट किस तरीके से मिलता है, वेदर दी अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू यू और नॉट। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ प्लेसमेंट को ऑफ़र करती हैं, एंड प्लस वी वुड ऑल्सो सी द पास्ट ईयर रिकॉर्ड कि प्लेसमेंट पहले कैसा रहा है, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो शेयर यू सम ऑफ द टिप्स विच आई हैव गेट फ्रॉम द सीनियर्स और फ्रॉम माई अदर रिसोर्सेज, दैट कि प्लेसमेंट पाने के लिए वाट यू हैव टू डू एंड किस तरीके से आपको आपका CV बिल्ड करना होगा एंड वाट शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर अपडेट। अब गाइज, होता क्या है, जब भी हम कोई भी लॉ स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, प्लेसमेंट, कि उस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट कैसा है। बिकॉज वी नो कि NLUs जो टॉप टायर्स NLUs होती हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, बट हम बाकी अदर कॉलेजेस के बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा डरते भी हैं कि क्या हमको प्लेसमेंट मिल पाएगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी जॉइंस द लिटिगेशन जस्ट आफ्टर द कॉलेज, सम ऑफ देम वांट्स जॉब जस्ट आफ्टर द कॉलेज। तो दे आर वेरी कंसर्नड कि कैसा प्लेसमेंट होगा एंड क्या पूरा प्रोसीजर होगा एंड क्या हमको जो टायर वन की लॉ फर्म्स होती हैं जो कि NLUs के अंदर देखने को मिलती हैं, क्या सेम लॉ फर्म्स हमको फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर भी मिलेंगी। तो वही सारे डाउट आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डज नॉट स्किप इट सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। गाइज, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैंपस लॉ सेंटर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर। अब इसके अंदर तो कैंपस लॉ सेंटर लिखा हुआ है हर जगह पे, बट लेट मी टेल यू ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस दैट जो प्लेसमेंट होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कैंपस लॉ सेंटर के बच्चों को ही प्रेफरेंस मिलेगी या फिर LC1 LC2 के बच्चों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज़ अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। अब ये तो कैंपस लॉ सेंटर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो इस वजह से इन्होंने CLC लिख रखा है, बट द प्रोसेस इज़ सेंट्रलाइज्ड, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ठीक है ना। एंड जस्ट लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि हाउ यू शुड अप्रोच फॉर द प्लेसमेंट एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इफ़ यू वांट्स टू गेट अ गुड प्लेसमेंट इन अ टायर वन लॉ फर्म। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको आराम से खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ ग्लिम्प्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कैंपस लॉ सेंटर एंड फैकल्टी में, बिकॉज चीज़ें तो तीनों ही सेंटर्स के अंदर सेम होती हैं, तो यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज़ द अकेडमिक करिकुलम विच इज़ सेम इन ऑल द सेंटर्स, तो आप अपनी 3 ईयर लॉ डिग्री के दौरान ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो दोज ऑफ यू हु आर क्यूरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, सम आर कंपल्सरी एंड सम आर ऑप्शनल, तो यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ। इसके साथ साथ कुछ सोसाइटीज़ के बारे में भी मैंशन है, लाइक द मूट कोर्ट सोसाइटी, द डिबेट एंड द डिस्कशन सोसाइटी, द लीगल एड सोसाइटी माई फेवरेट वन, द कॉरपोरेट एंड द कॉमर्शियल सोसाइटी एंड द जर्नल्स ऑफ द कैंपस लॉ सेंटर। इसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं कैंपस लॉ सेंटर की। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि जो प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट का वो सेंट्रलाइज्ड होता है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ CLC के ही बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, ऐसा कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्टूडेंट इनिशिएटिव, जो सारे के सारे सेशंस जो लेक्चर्स हुए थे इन अ गिवन ईयर, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंशनड होता है, दिस आर द एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी, तो ये एलुमनी हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के, आप इनको भी देखिए, आई मीन इस लिस्ट को देखिए, दीज आर द लिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कितने सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, राइट। हाई कोर्ट जजेस को आप लोग देख लीजिए, एंड इवन दो यू विल ऑल्सो फाइंड द इंटरनेशनल जजेस, राइट, दीज टू जजेस, दीज आर द इंटरनेशनल जजेस। सो यू सी, अब आप खुद आइडिया लगा पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ द फैकल्टी इज़ ऑल अबाउट, इतना नाम क्यों है फैकल्टी का, एंड लॉ फर्म्स, कितने सारे लॉ फर्म्स के पार्टनर यहाँ से रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर। एंड अब बात करते हैं जिसके बारे में आप कंसर्न हैं, पास्ट रिक्वायरमेंट की एंड इंटर्नशिप की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने पास्ट में
कैंपस लॉ सेंटर या फिर फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट को अडॉप्ट किया है, उनको रिक्रूट किया है, ठीक है। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की कंपनीज़, किस लेवल के लीगल फर्म्स आती हैं आपको प्लेसमेंट देने के लिए। तो आप लोग देखो, ये रहा अमरचंद एंड मंगलादास एंड आनंद, यू कैन रीड आर लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। तो काफ़ी सारी लॉ फर्म्स हैं एंड वेराइटी है। सबसे बड़ी बात है कि वेराइटी आती है, लॉ फर्म्स भी आती हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ कॉरपोरेट कंपनीज़ आती हैं। देखो कंपनीज़ में जैसे मैं बात करूँ, विप्रो आपको ऑफ़र करती है, टाटा पावर आपको ऑफ़र करती है, ठीक है, PNB, काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं, देखो PNB हाउसिंग हो गया, एंड इसके साथ साथ ICICI बैंक भी आता है, देखो यरा ICICI लोमबैक्ड, ठीक है, एंड HDFC आता है। तो आप देखो बैंक्स आ रहे हैं, कंपनीज़ लाइक विप्रो एंड टाटा पावर आ रही हैं, उसके बाद लॉ फर्म्स तो ऑब्वियसली आएंगी ही, एंड उसके साथ साथ इंडिविजुअल लॉयर्स भी आते हैं। एंड यार आई विल टेल यू, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द कैंपस लॉ सेंटर और एनी ऑफ द लॉ सेंटर। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के आती हैं, देखो कितनी सारी लीगल फर्म्स एंड कितनी सारी कंपनीज़ हैं, एंड सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं भाई, जो पास्ट में रिक्रूट करती हैं बच्चों को। तो यू कैन गेट एन इनसाइट कि कैसा होने वाला है सब कुछ। एंड देखो इसके साथ साथ मीडिया हाउसेस भी आते हैं, देखो इंडिया टुडे ग्रुप, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि वैरायटी है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, कि इंटर्नशिप किस किस के अंदर अवेलेबल होती है, कौन कौन सी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको इंटर्नशिप ऑफ़र करती हैं। एंड आप खुद देखिए, द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आप आराम से देखो। देखो ये रहा आडवानी एंड को एंड ओल एंड ओल, एंड देखो ये जो सबकी फेवरेट, सबकी नज़र इसी पे टिकी रहती हैं, केतन एंड को, ठीक है। आई नो द टायर वन लॉ फर्म्स है ये, केतन एंड को। तो आप देख सकते हैं जो NLUs को ऑफ़र करती है, ठीक है, सबसे बड़ी वन ऑफ दी सक्सेसफुल लॉ फर्म्स में आती है केतन एंड को। आप खुद देखिए कि जो NLUs को ऑफ़र करते हैं वो कैंपस लॉ सेंटर एंड फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर भी आती है इंटर्नशिप ऑफ़र करने के लिए। तो यार अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास हैं, बट ग्रैब कैसे करनी है वो आपको आना चाहिए कि हाउ टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एंड इसके साथ साथ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आप यार लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल्सो यू कैन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो देर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट कमीशंस। एंड इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो इंटर्न विद द पार्लियामेंट लाइक द लोकसभा एंड द राज्यसभा, बट उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो एंड इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो इंटर्न विद द दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली जुडिशियल अथॉरिटी। एंड इसके साथ साथ इंडिविजुअल लॉयर्स तो ऑफ कोर्स होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंटरेस्ट होता है, तो दे कैन ऑल्सो इंटर्न देयर। एंड वुमेन कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो यार मेरा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नाउ यू आर हैविंग द इनसाइट, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि देखो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ कंसल्टेंट, तो कितनी भर भर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं इन द फैकल्टी ऑफ लॉ। आपको पूरा इंसाइट मिल रहा होगा, वो सारे बच्चे जो कि प्लेसमेंट लेना चाहते हैं एंड दे नीड अ जॉब जस्ट राइट आफ्टर द कॉलेज, तो दे कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फैकल्टी। बस आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आता है कि जो टायर वन की लॉ फर्म्स होती हैं उनके अंदर प्लेसमेंट कैसे लें। तो जितनी भी टायर लॉ फर्म्स होती हैं, जो भी मैंने सीनियर से पता किया है एंड जो भी मैंने इधर उधर रिसोर्सेज से जाना है, वो यही है कि जो टायर वन की लॉ फर्म्स होती हैं ना, वो उन्हीं लोगों को जॉब ऑफ़र करना पसंद करती हैं जिन्होंने उनके साथ पास्ट में कोई ना कोई इंटर्नशिप कर रखी हो, ठीक है। तो दे प्रीफर दोज कैंडिडेट्स हु हैव इंटर्न विद देम इन द पास्ट। तो अगर आपको कोई भी लॉ फर्म्स के अंदर अगर आपके कोई फेवरेट है, फॉर एग्जांपल केतन एंड को, अगर आपको केतन एंड को में ही जॉब चाहिए बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स इन द टायर वन लॉ फर्म्स, तो आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप करनी होगी उसी कंपनी के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में जैसे ही आप आते हैं तो आप फटाफट ट्राई कीजिए इंटर्नशिप का, ठीक है। तो जो भी आपकी फेवरेट लॉ फर्म्स होती हैं आप उनमें इंटर्नशिप कीजिए, अलग अलग एरियाज़ में कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने केतन एंड को में वाइट कॉलर क्राइम्स में कर लिया, किसी में आप लोग बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी को क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटरेस्ट है तो
वो इंडिपेंडेंट लॉयर्स के साथ जा करके कर सकता है। तो बेसिक फंडा यही है कि आप इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं एंड आपने इंटर्नशिप ही नहीं की हो, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। बिकॉज एवरीबडी वेदर इट्स, आप खुद भी सोचो कि आप किसको, अगर आप खुद एक रिक्रूटर हो तो आप किसको पसंद करोगे, जिसने पहले आपके साथ काम कर रखा है, जो आपका कल्चर वर्क कल्चर के बारे में जानता है, या फिर एक फ्रेशर को, राइट? तो इंटर्नशिप इज़ मस्ट, आपको इंटर्नशिप करनी होगी सम विद द इंडिपेंडेंट लॉयर, सम विद द लॉ फर्म, सम विद द बैंक्स। तो जो भी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से इंटर्नशिप कीजिए, बट डेफिनेटली इंटर्नशिप कीजिए, ठीक है। एंड जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है, आपको पता है कि DU के अंदर, फैकल्टी के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, तो एक प्लेसमेंट असिस्टेंट सोसाइटी होती है, तो आपको उस सोसाइटी को ज्वाइन करना होगा, आपको उसका मेम्बर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे आप फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसका मेंबर बनना है, ठीक है। वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप उसको फॉलो करेंगे एंड आप उसके मेंबर बन जाएंगे। उसके पास आपको रेगुलर अपडेट आते रहेंगे अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, अबाउट द रिक्वायरमेंट, बिकॉज सारा कुछ वही ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड तीनों ही लॉ सेंटर्स की अपनी अलग अलग प्लेसमेंट असिस्टेंस कमेटी होती हैं, तो आप अपने सेंटर के हिसाब से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि कैंपस लॉ सेंटर के बच्चों को ही इंटर्नशिप मिलती है एंड LC1 और LC2 के बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम LC1, LC2 आर ग्रैबिंग अ बेटर प्लेसमेंट देन द CLC स्टूडेंट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बॉस कि हाउ वुड यू परफॉर्म, ठीक है, इन दीज 3 ईयर्स। अब एडमिशन जिसको जहाँ मिलना था वहाँ मिल गया, बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर द वन हु विल डिसाइड कि आप कहाँ प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करनी है एंड आपको अच्छा परफॉर्म भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इंटर्नशिप की ही गिनतियाँ बढ़ा रहे हो कि मैंने तो 5, मैंने तो 10 इंटर्नशिप कर ली, बट आप परफॉर्म उनमें नहीं कर पा रहे, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे। दिस शुड नॉट बी द केस, राइट? तो आपको 100% अपना इंटर्नशिप में देना है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, इसके साथ साथ आपको अपना CV भी बिल्ड करना होगा। एंड वो कैसे होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं आप उन सभी सोसाइटीज़ में पार्ट लीजिए। लाइक लीगल एड सोसाइटी होती है एंड वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है वो, यार उसको ज्वाइन करोगे ना तो यू विल गेट अ रियल इनसाइट ऑफ द लॉ ऑन द वेरी ग्राउंड रियलिटी व्हेन यू विल गो एंड मीट टू द पीपल। तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ को ज्वाइन कीजिए, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको एकेडमिक्स में भी अच्छा होना पड़ेगा। बिकॉज सम ऑफ द लॉ फर्म्स, स्पेशली द Tier 1 लॉ फर्म्स, प्रीफर द कैंडिडेट विद फर्स्ट डिविज़न, राइट? जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, लाइक 60% ऑफ द और द अबव, तो ऐसा भी केस है। तो आपको एकेडमिक्स में भी इक्विवेलेंट गुड होना ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एकेडमिक्स में बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हो। दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज यार फिल्म्स उसको भी देखती हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पर क्या करना है, आपको इंटर्नशिप करनी है उन्हीं फिल्म्स के साथ जिनके साथ आप फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, आपको कोकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड इसके साथ साथ जैसे ही आप फैकल्टी के अंदर आते हैं, यू विल ज्वाइन द फैकल्टी, यू विल फाइंड सम न्यू वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो बस अभी के लिए इतना ही बता रहा हूँ मैं। एंड जैसे ही आप फैकल्टी के अंदर आएंगे यार, आप सब कुछ खुद से सीख जाएंगे। व्हेन यू विल इंटरेक्ट विद द सीनियर्स, यू विल इंटरेक्ट विद द न्यू पीपल्स, यू विल इंटरेक्ट विद द फैकल्टी, विद एवरीबडी अराउंड इन द नॉर्थ कैंपस, सो यू विल गेट टू लर्न सम न्यू थिंग्स, ठीक है। तो बस यही था आज इस वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको पता चला होगा कि यार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ NLUs के अंदर ही कंपनीज एंड फिल्म्स जाती हैं, कैंपस के अंदर भी आती हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर भी बहुत ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली कोर्स स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से है कि कॉर्पोरेट लॉ इतना नहीं पढ़ाया जाता, एंड डेट इज़ वाई हमको उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है एज़ कम्पेयर टू द NLUs, बिकॉज कोर्स स्ट्रक्चर ही अलग है। यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस ही लिटिगेशन की तरफ है, वकालत की तरफ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन द वीडियो, अब सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेसमेंट इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you won't miss any of our future update. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।